स्टूडेंट्स कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी बिल्कुल, होता क्या है कि एक्चुअली में जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, हमारा फ्रेंड कोई हमें किसी दूसरे से इंट्रोड्यूस कराए, या फिर हम अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं बहुत टाइम के बाद, या होता है कि हम इंटरव्यू फेस करने जाएं, किसी जॉब के पर्पज से जाएं, तो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा कहीं ना कहीं उसी के ऊपर हमारी जॉब, उसी के ऊपर हमारे रिलेशंस, फ्रेंडशिप वगैरह सब डिपेंड करती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराएं दूसरे के सामने। बिल्कुल, देखिए जॉब में आप जाते हैं, आप ही के साथ में और 10-15 लोग और भी आते हैं इंटरव्यू के लिए, बट होता क्या है कि सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो कहीं ना कहीं स्किल्स जरूरी है, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी जरूरी है, लेकिन जो पर्सनैलिटी को आप अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, वो आता है आपको अपने एक इंट्रोडक्शन देने से। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाली है। सो दिस इज शुभम शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज डे 15 ऑफ आर कोर्स। द नेम ऑफ द कोर्स इज स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज। क्लियर? सो 30 डेज 30 वीडियोस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन, अब होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ठीक है, आप पहली बात तो ये कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ, आप थंबनेल में भी चेक कर सकते हैं, 11 पॉइंट्स में मैं बिल्कुल आपको आपका इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन देना सिखा दूंगा कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं 11 पॉइंट्स में, और तीन ऐसी क्या बातें हैं जो इंटरव्यू के टाइम पर, इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। ठीक है, अदरवाइज सारा इंप्रेशन आपका खराब हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है, 11 पॉइंट्स हैं सिर्फ हमारे पास। क्लियर? इन 11 पॉइंट्स को याद रखिए। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि आपसे इंटरव्यू मतलब आपसे इंट्रोडक्शन मांगा कैसे जाएगा, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपसे कैसे कहा जाएगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। कुछ क्वेश्चन हैं इस तरीके से, जैसे ये है, लेट मी नो अबाउट यू। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लेट मी नो अबाउट यू। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे आई नो अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं, या फिर एक जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो किस तरीके से है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो देखिए दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी पुट इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पे आपके सामने रखे जा सकते हैं। लेट मी नो अबाउट यू, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। मे आई नो अबाउट यू, ये भी एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है, या उसके कहने का तरीका हो सकता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि कैसे शुरू करना है इस इंट्रोडक्शन को। ठीक है, देखिए सो 11 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बड़े सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। नेम, ठीक है, सिंपल तरीके से कहिए कि माय नेम इज शुभम शर्मा, या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम शुभम शर्मा। ठीक है, बट एक चीज याद रखिए कि 70-75% मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं कभी अपनी क्लास वगैरह में इंटरव्यू वगैरह मतलब बच्चों से इंट्रोडक्शन लेता हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बड़े स्टाइल में बोलते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैनर है। वे ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे माई सेल्फ एनी नेम। तो याद रखिए कि माई सेल्फ इज टोटली रॉन्ग। माई सेल्फ इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप स्टार्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी माई सेल्फ बोलने वाले हो तो थिंक ट्वाइस, दो बार जरूर सोचिएगा, और तीसरी बार जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ये वर्ड नहीं यूज होना है। आपको सिर्फ बोलना है माई नेम इज शुभम शर्मा या फिर आई एम शुभम शर्मा। देखिए नेम के बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है आपकी एज, आप एज कैसे बताएंगे। तो देखिए वैसे तो आप नॉर्मली बोलते हैं कि
आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, तो भी एक तरीका है कि आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, क्लियर? नहीं तो स्टूडेंट्स आजकल बिल्कुल नया है जो लेटेस्ट है कि आई एम 31, क्लियर? बिकॉज 31 इज एज, 31 इज नंबर, तो ये जो नंबर है ऑब्वियसली मेरी एज के लिए ही शो कर सकता है, ठीक है? तो माय नेम इज शुभम शर्मा, आई एम 31। नेक्स्ट आएगा प्लेस, बर्थ प्लेस यू कैन से, आप कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो वैसे तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू, ये कॉमन है आई बिलोंग टू मेरठ, लेकिन ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, मतलब मैं पैदा हुआ और वहीं पर पल पोस कर बड़ा हुआ। तो रिमेंबर दीज आर द थ्री पॉइंट्स, तो हमारे 11 पॉइंट्स में से फर्स्ट थ्री पॉइंट्स ये हैं, किस तरीके से कि हेलो माय नेम इज शुभम शर्मा, आई एम 31, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, क्लियर? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बिल्कुल टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए कि अच्छे मैंने अपना नेम बता दिया, एज बता दी, मैंने प्लेस बता दिया, मैं जहां से बिलोंग करता हूं। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या होने वाला है, देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन, देखिए बहुत जरूरी है क्वालिफिकेशन। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट बोल रहे हैं तो आप सिंपली ये बोलिए कि आई एम, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आई एम परसुइंग बीकॉम बीएससी बीए, आई एम परसुइंग क्लास 12th, आई एम परसुइंग एनी कंप्यूटर कोर्स, क्लियर? या फिर अगर आप पर्सनली ये चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है ना, आप कैसे बोलेंगे कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2008, 2009, 2010, व्हाटएवर, क्लियर? तो इस तरीके से, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हुआ क्वालिफिकेशन का। फिफ्थ है कि आप करेंटली, ठीक है, कहीं पर वर्क कर रहे हैं, वर्किंग, आप कहीं वर्किंग वगैरह हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि करेंटली आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी एट, क्लियर? तो आप मतलब बता सकते हैं कि करेंटली आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी एट स्कूल नेम, ठीक है? अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो करेंटली आई एम वर्किंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एट, कोई भी आप कंपनी का नाम वगैरह दे सकते हैं, क्लियर? तो क्वालिफिकेशन आपने बताई कि आपने क्या कंप्लीट कर लिया है, आप क्या कर रहे हैं करेंटली, कहाँ जॉब कर रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट आता है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है? या आप इससे पहले ले सकते हैं कि आपके एम्बिशन क्या है लाइफ में, एम्बिशन या आपका गोल क्या है, ठीक है? तो रिमेंबर कि जिस जॉब के पर्पस से आप जा रहे हैं उसी जॉब से रिलेट आप अपना आगे का जॉब प्रोफाइल बताइएगा, अपना एम्बिशन बताइएगा, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, आई विश टू बिकम अ प्रोफेसर, आई विश टू बिकम अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज, मैं किसी भी कॉलेज में एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ठीक है? दिस इज माय ड्रीम, दिस इज माय एम्बिशन, क्लियर? तो इस तरीके से आप कुछ बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे आई विश टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है? आप व्यापारी बनना चाहते हैं, मर्चेंट, बिजनेसमैन, तो आप क्या बोलेंगे, आई विश टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्लियर? तो सिक्स पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये सिक्स पॉइंट्स आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में है, वर्किंग के बारे में है और आपकी एम्बिशन के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं,
देखिए सेवेंथ, सेवेंथ क्या होने वाला है आपका, सेवेंथ है आपकी हॉबीज क्या है। देखिए हॉबीज बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब आपकी हॉबीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेट करके मत बताइएगा, हमेशा हॉबीज वो बताइएगा जिसमें आप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हैं, जो आपकी रियल हॉबीज हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोल लेंगे, आई लव वॉचिंग मूवीज एंड रीडिंग नॉवेल्स। आप चाहें तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू वॉच, व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल्स डू यू रीड। ठीक है, आई लव वॉचिंग एक्शन मूवीज एंड रीडिंग थ्रिलर नॉवेल्स। ठीक है, कि मुझे सस्पेंस थ्रिलर वाले नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, आप चाहें तो इतना बता सकते हैं। ठीक है, एट आपका पॉइंट आता है, चलिए यहाँ पर आप अपनी हॉबीज वगैरह बता चुके हैं, अपना ड्रीम बता चुके हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह बता चुके हैं। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है आपका थोड़ा सा पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो है आपका फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, देखिए विदाउट फैमिली नोबडी इज परफेक्ट, तो जब तक आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तब तक आपका इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है। कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले तो आपने बोला कि देयर आर, ठीक है, एट मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, अगर आपके परिवार में ज्यादा मेंबर्स हैं तो फिर आप नंबर्स बताने में अगर हेजिटेट हो रहे हैं तो आप सिंपली कहिए कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, और अगर आप सिक्स सेवन एट मेंबर्स तक कंफर्टेबल फील करते हैं तो बताइए कि देर आर एट मेंबर्स इन माय फैमिली, और अगर ज्यादा है तो मैंने आपको क्या बताया कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पॉइंट। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने देखा इस चीज को नोटिस किया है कि वो अपने पेरेंट्स के नाम बताना शुरू कर देते हैं। सो रिमेंबर, पेरेंट्स के नेम बताना कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट ऑक्यूपेशंस दे आर हैविंग, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो आप अपने फादर के बारे में बताएंगे, नाइन्थ पॉइंट है आपका, ये क्या बताएंगे, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ टीचर। क्लियर, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नाइन पॉइंट्स तक मैंने आपको बता दिया है। अब 10 पॉइंट हमारा होगा मदर के बारे में, माय मदर इज अ होम मेकर या फिर हाउसवाइफ, या फिर माय मदर इज अ वर्किंग वुमन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा भी आपके फैमिली का हिसाब है। माय मदर इज अ होम मेकर, अगर वो घर को संभालती है, मैनेज करती है घर को, तो होम मेकर या हाउसवाइफ बहुत ही कॉमन वर्ड है। माय मदर इज अ वर्किंग वुमन, ठीक है, कहीं जॉब करती हैं, एज ए टीचर करती हैं, एज ए शॉपकीपर हैं, या फिर एज ए बिजनेस वुमन है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका 11th पॉइंट। ठीक है, देखिए 11th पॉइंट आपका होने वाला है सिंपली आपके सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर के बारे में। ठीक है, सिबलिंग्स जो आपके भाई वगैरह हैं, छोटे भाई बहन, तो आप सिंपली ये बताइए कि आई हैव टू यंगर सिबलिंग्स। क्लियर, इस तरीके से। तो ये आपके 11 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। देखिए रिमेंबर एक बात, व्हाइल यू आर फेसिंग इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो याद रखिए कि मतलब आपको जो ना अपने आप को दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना है, आपको कोई इंप्रेशन क्रिएट, मतलब कैसे क्या बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं बोलना है। ठीक है, तो होता क्या है कि चलिए इसे मैं बोलकर बताता हूँ कि अगर मैं बोलता तो इसे किस तरीके से बोलता। तो देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, आई एम 31, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनएएस कॉलेज इन 2012 एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी एट एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल। ओके, आई विश टू बी अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, देर आर एट मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज अ टीचर, माई मदर इज अ होम मेकर, आई हैव टू यंगर
siblings. And as per my hobbies are concerned, I love watching movies and talking to friends, making friends. Clear? So this is all about me. So students, this is actually your introduction within 11 points. अब चलिए बात करते हैं 3 points की. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि वो तीन ऐसे क्या एरर हैं जो आपको यूज नहीं करने, मतलब थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करिएगा अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है. थ्री मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड. देखिए बिल्कुल, अब होता क्या है कि आपसे कहा जाता हो कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप क्या करते हैं कि यू जस्ट स्टार्ट अ रेस, आप एक ट्रेन से चला देते हैं, ठीक है ना, एंड विद इन 30 सेकंड्स एंड 35 सेकंड्स यू जस्ट फिनिश योर इंट्रोडक्शन. तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आप वहां पर किसी से कोई रेस करने नहीं जा रहे हैं. नोबडी इज गोइंग टू चेक योर फ्लुएंसी, ना ही कोई आपकी फ्लुएंसी चेक करने वाला है. दे जस्ट वॉन्ट योर कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इन योर इंट्रोडक्शन. आपको अपने इंट्रोडक्शन को बड़े अच्छे से एक रेगुलर बेसिस पर सिर्फ क्या करना है, सुनाना है. आपको दूसरों को अपने बारे में बताना है. अगर आप जल्दी बोलकर निकल गए तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे को समझ ही नहीं आया, ठीक, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि आप जो है अपने बारे में बताने से डर रहे हैं. तो पहली मिस्टेक तो ये है कि नो ओवरफ्लुएंसी, नो ओवरफ्लुएंसी, ठीक है, कि आपको कोई फ्लुएंसी नहीं रखनी है. मतलब फ्लुएंसी का रेगुलरिटी रखिए, लेकिन इतना ज्यादा तेज नहीं कि मतलब आप बोलकर निकल जाएं और दूसरे के बिल्कुल भी समझ में ना आए, ठीक है. दूसरी मिस्टेक्स क्या है कि आप जो है ना इधर उधर की अननेसेसरी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी है, ठीक है. अननेसेसरी आपको क्या कलर पसंद है, ठीक है ना, आपको कौन सा फूड खाना वगैरह पसंद है, ठीक है ना, आपने रिसेंट मूवी कौन सी देखी थी, ठीक है. तो ये सब की सारी चीजें क्या है कि मतलब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी इस तरीके से. तो आपको याद रखना है कि आपको अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी है. और थर्ड है आपके सामने कि नो नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली. आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स के नाम नहीं बताने हैं कि माय फादर्स नेम इज दैट, माय मदर्स नेम इज दैट, आई हैव वन यंगर ब्रदर, हिज नेम इज दैट. तो मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, नोटिस की हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू. मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि ना तो आपको बहुत तेज स्पीड में जाना है, ना आपको अननेसेसरी डिटेल्स देनी है, और फैमिली के मेंबर्स का सिर्फ आपको ऑक्यूपेशन प्रोफेशन बताना है, सिर्फ नंबर्स बताने हैं कि हाउ मेनी आर दे इन नंबर्स. नेम्स वगैरह कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है. आई होप कि आपको आज का इंट्रोडक्शन सेशन पसंद आया होगा. तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन क्लासेस. तो 30 डेज 30 वीडियोस जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच. लेट्स मीट टुमारो विद सम न्यू टॉपिक. गॉड ब्लेस यू.